दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी 5 KV है। तो आपको दिखाते हैं इसके अंदर से। ये देखिए, इसमें हमने 4 रिले यूज कर रखी है। इसमें 3 कंट्रोलिंग रिले हैं और 1 टाइमर और हाईकट की रिले है। इसमें हमने सर्किट किसी भी तरह का कोई सर्किट नहीं लगाया अभी। अब इसमें हम सर्किट लगाएंगे और सर्किट इसमें जो हम लगाएंगे बहुत स्पेशल सर्किट है, तो आपको देखकर काफी अच्छा लगेगा। देखिए, अभी हमने इसमें जो मीटर यूज कर रखा है वो नॉर्मल एनालॉग मीटर है। तो हम इस मीटर को हटाकर इसमें ये डिजिटल डिस्प्ले अपने लगाएंगे और साथ ही ये माइक्रो कंट्रोलर किट यूज करेंगे, जो कि ये मीटर जो है ये इस किट के थ्रू ही ऑपरेट होता है। तो फिर इस किट को और इस मीटर को इस स्टेबल में इंस्टॉल करते हैं, आपको लगा के बताते हैं कैसे लगाएंगे और इसका फंक्शन बताएंगे कि कैसा फंक्शन होता है और लगने के बाद परफॉर्मेंस कैसे आती है। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। इसमें से इसका जो वोल्टमीटर लगा हुआ था वो निकाल दिया है। अब इसमें हम ये डिस्प्ले लगा देंगे। लगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये हम बहुत ही आराम से लगा देंगे। ये देखिए, डिस्प्ले इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसमें इसका सर्किट लगाएंगे। सर्किट लगा के भी आपको बताते हैं कि सर्किट कैसे लगेगा। तो देखिए, सर्किट कनेक्शंस आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए, इसमें पहले ये 2 जैक दे रखे हैं। तो इस पर तो जो ये आईसी के बराबर वाला जैक है, देखिए सही से देख लीजिए, तो यहां पर हमारा जो डिस्प्ले का जैक है यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा जैक है, तो यहां पर हमारा ये देखिए, वैसे तो 5 पिन दे रखी है बट इसमें केवल 3 पिन ही वर्किंग की है, 1, 2, 3। तो पहले हमारा न्यूट्रल का वायर कनेक्ट होगा यहां पर, जो मेन लाइन की न्यूट्रल है। उसके बाद आउटपुट लेके पोल पर से वायर यहां पर कनेक्ट होगा। ये देखिए, जैक से आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हम यहां पर जैक लगा देंगे इसका, ठीक है। इसमें 3 वायर दे रखे हैं। पहला हमारा ब्लैक वाला न्यूट्रल हो गया, मेन लाइन की न्यूट्रल। उसके बाद वाला जो वायर है ये हमारा आउटपुट लेके पोल पर से कनेक्ट होगा। और जो तीसरा वायर है ऑरेंज कलर का, तो ये हमारा इनपुट लेके पोल पर से कनेक्ट होगा। इस तरह से इसमें न्यूट्रल, आउटपुट और इनपुट आ जाएगी। और इसके बाद फिर हम जो उसके रिले के और इनपुट सप्लाई के कनेक्शन करेंगे वो ऐसे होंगे। देखिए, जो डायोड के बारे में 2 पिन है यहाँ पर हमारा, 24 वोल्ट AC जो कि ट्रांसफार्मर के थ्रू आएगी, यानी ट्रांसफार्मर के जो प्लेटाउंड होते हैं वहां से हम 24 वोल्ट DC यहां पर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारा रिले का कॉमन वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जितनी भी रिले हैं उन पे रिले का कॉमन वाला वायर यहां पर कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद में इनपुट 1 रिले और उसके बाद इनपुट 2, यानी एक्स्ट्रा रिले का कनेक्शन होगा यहां पर। तीसरा जो कनेक्शन होगा वो हमारा आउटपुट रिले का होगा और जो चौथा कनेक्शन होगा वो हमारा हाईकट और टाइमर रिले कनेक्शन यहां पर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी 4 रिले इसमें कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए इसे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद आपको टेस्ट करके बताते हैं। हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया है, जो कनेक्शन आपको जैसे बताए थे वो सब कनेक्शन हमने वैसे कर लिए हैं। ये इनपुट आउटपुट वाला जैक है और ये जैक हमारा जो आप देख रहे हो ये फिर डिस्प्ले के लिए है। और जो तीसरा जैक है ये ट्रांसफार्मर से जो इनपुट सप्लाई आई है हमारी वो कनेक्ट की है, प्लस जो रिले पर जितनी भी रिले लगी हैं उन सब पे जो कनेक्शन जाएंगे वो हमारे इस वाले जैक से जाएंगे। तो अब इसे ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं, इसे चलाकर देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे आ करके ऑन करेंगे। ये देखिए, हमने इसे ऑन कर दिया। इसका टाइमर चल रहा है, यानी 10 से लेकर 1 तक ये टाइमिंग दिखाएगा, उसके बाद ये ऑन होगा। ये देखिए, इनपुट वोल्टेज 86। अब आउटपुट वोल्टेज दिखाए गए, ट्रांसफॉर्मर जो हमारा है ये 90 वोल्ट से वर्क करने वाला है। तो फिर ये देखिए, अब आउटपुट वोल्टेज 194। ये देखिए, बिल्कुल अच्छा वर्क कर रहा है। अब धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये देखिए, एक ही बार में बिना सेट किए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज लगातार बताता रहेगा, कभी इनपुट कभी आउटपुट। ये देखिए इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट लिखकर आएगा और आउटपुट वोल्टेज पर OP लिखकर आएगा, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि इनपुट वोल्टेज है या फिर आउटपुट वोल्टेज है। तो देखिए, इससे कितना अच्छा लुक हो गया। एक नॉर्मल लोकल मेड स्टेबलाइजर ऐसा लगा है जैसे कि कोई ब्रांडेड स्टेबलाइजर है। और परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है, इस सर्किट की भी और प्लस इस मीटर की भी। तो देखिए दोस्तों, हमने पीछे एक एनालॉग मीटर भी लगा रखा है इसके आउटपुट पर, इससे आपको आउटपुट समझने में आसानी रहेगी।
ये देखिए दोनों मीटर पर आउटपुट देखिए, ये देखिए और उसके अलावा आपको सेटिंग का तरीका भी आपको बता देते हैं बाय चांस अगर आपको सेट करने की जरूरत पड़े इस मीटर में। तो अभी तो फिलहाल इस सर्किट में हमें सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप लगाएंगे आपको सेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर उसके लिए देखिए सेट करने के लिए ये पेसेट दे रखा है रेजिस्टेंस के बराबर में, वैसे इसमें दो पेसेट दे रखे हैं, ये वाला पेसेट हम छेड़खानी नहीं करेंगे इसमें बिल्कुल, क्योंकि मीटर की सेटिंग के लिए बाय चांस कभी मीटर में थोड़ा बहुत एक दो वोल्ट का फर्क है तो हम इस मीटर इस पेसेट की मदद से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं छुएंगे, इसे छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमें कट की सेटिंग करनी है वो हमें इस पेसेट से करनी है, हमें केवल एक ही कट सेट करेंगे कोई सा भी, तो बाकी सारे कट ऑटोमेटिक खुद ही खुद आएंगे, हाई कट वगैरह सब अपने आप ही आएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल एक ही बार सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा और प्लस ये किट आपको कैसी लगी, इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और आपको इस किट के बारे में एक चीज और बता दूं, ये हम किसी भी ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं, यानी 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक वर्क करने वाला कोई भी ट्रांसफार्मर है हम उसमें यूज कर सकते हैं, हमें किसी स्पेशल डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इस किट के हिसाब से कोई डाटा अपना यूज करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल भले नया से नया या पुराने से पुराना कोई भी ट्रांसफार्मर हो हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ट्रांसफार्मर हमने इसमें भी काफी पुराना ही यूज कर रखा है, क्योंकि ये किसी का हमने बॉडी चेंज की है, पुराने ट्रांसफार्मर है तो हम ये पुराने ट्रांसफार्मर के साथ यूज कर रहे हैं, तो फिर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,